डूबने वाले को तिनके का सहारा ही बहुत, डूबने वाले को तिनके का सहारा ही बहुत, दिल बहल जाए फकत इतना इशारा ही बहुत, इतने पर भी आसमां आसमां वाला गिरा दे बिजलियां, इतने पर भी आसमां वाला गिरा दे बिजलियां, कोई बतला दे जरा ये डूबता फिर क्या करे। मणिपुर हिंसा को लेकर विपक्ष की ओर से लाए गए अविश्वास प्रस्ताव पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपना जवाब दिया। इस दौरान उन्होंने विपक्ष पर करारा हमला किया और कहा कि आज मैं देख रहा हूं कि आपने तय कर लिया है कि एनडीए और बीजेपी 2024 के चुनाव में पुराने सारे रिकॉर्ड तोड़कर भव्य विजय के साथ जनता के आशीर्वाद से वापस आएगी। अपने स्पीच के दौरान पीएम मोदी ने कांग्रेस और राहुल गांधी पर जमकर निशाना साधा। पीएम मोदी ने अपने बयानों के तर्कश से चुन चुन कर राहुल गांधी के लिए सियासी तीर निकाले। अविश्वास प्रस्ताव पर 9 अगस्त को दूसरे दिन की चर्चा में कांग्रेस नेता राहुल गांधी समेत कई विपक्षी सांसदों ने मोदी सरकार पर जमकर हमला बोला। राहुल गांधी ने मणिपुर हिंसा को लेकर केंद्र की मोदी सरकार पर जमकर हमला बोला और कहा कि मणिपुर में हिंदुस्तान की हत्या की गई, हिंदुस्तान में भारत माता की हत्या हुई, मणिपुर को दो हिस्सों में बांट दिया गया। राहुल गांधी के आरोपों पर केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी ने जवाब दिया। ईरानी ने कश्मीरी पंडितों पर अत्याचार और 1984 के सिख दंगों की घटनाओं का जिक्र करते हुए कहा कि कांग्रेस का इतिहास खून से सना है। राहुल गांधी को लेकर पीएम मोदी ने क्या क्या कहा है, आइए आपको सुनाते हैं। कुछ बातें बहुत ही समय पर मुझे कहने का अवसर मिलता है, बहुत सी बातें ऐसी होती है, इत्तेफाक देखिए, कोई मैं तो तय करके बैठता नहीं हूं, लेकिन इत्तेफाक देखिए। देखिए कल यहां दिल से बात करने की बात भी कही गई थी, उनके दिमाग के हाल को तो देश लंबे समय से जानता है, लेकिन अब उनके दिल का भी पता चल गया। और अध्यक्ष जी, इनका मोदी प्रेम तो इतना जबरदस्त है जी, 24 घंटे सपने में भी उनको मोदी आता है। पीएम मोदी ने राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा पर भी तंज कसा। उन्होंने कहा, जो कभी जमीन पर ही नहीं उतरे, जिन्होंने हमेशा गाड़ी का शीशा डाउन करके दूसरों की गरीबी देखी है, वे भारत में गरीबी देखकर हैरान रह जाते हैं। जब ये लोग भारत की गरीबी का जिक्र करते हैं तो भूल जाते हैं कि इस देश पर उनके पूर्वजों ने राज किया था। पीएम मोदी ने राहुल गांधी के भारत माता की हत्या वाले बयान पर भी उन्हें आड़े हाथों लिया। आदरणीय अध्यक्ष जी, मैं कांग्रेस की मुसीबत समझता हूं, बरसों से एक ही फेल्ड प्रोडक्ट उसको बार बार लॉन्च करते हैं, हर बार लॉन्चिंग फेल हो जाती है और अब उसका नतीजा यह हुआ है मतदाताओं के प्रति उनकी नफरत भी सातवें आसमान पर पहुंच गई है। उनका लॉन्चिंग फेल होता है, नफरत जनता पे करते हैं। आपको याद दिला दें कि 2018 में जब केंद्र की मोदी सरकार के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव लाया गया था तो उस समय राहुल गांधी पीएम मोदी से जाकर गले मिले थे। राहुल गांधी अपने भाषण के दौरान पीएम से गले मिलने उनकी सीट पर जा पहुंचे थे, जिसकी बाद में खूब चर्चा हुई थी। राहुल गांधी के गले मिलने पर तब पीएम मोदी ने भाषण के दौरान उन पर तंज कसते हुए कहा था कि राहुल गांधी को मेरी सीट पर पहुंचने की बहुत जल्दी है, लेकिन उसके लिए कुछ काम करना पड़ता है, तभी देश की जनता यहां पहुंचाती है। आज भी पीएम मोदी ने राहुल गांधी पर हमला करने का एक भी मौका नहीं गवाया। टाइम्स नाउ, नव भारत, डिजिटल रिपोर्ट।